How to turn off double tick in WhatsApp iPhone. Hello guys, welcome back to your new video. I hope you are well. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो double tick को hide कर सकते हैं. मैं गाइस इस फ़ोन से जो है इस iPhone में जो मैसेज सेंड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे जो है सिंगल टिक ही देखने को मिला है. जैसे मैं WhatsApp को ओपन करता हूँ गाइस, यहाँ पे जो मुझे मैसेज है वो गाइस यहाँ पे रिसीव हो जाता है. तो चलो गाइस, यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल डेटा वो भी टर्न ऑन है, आप सभी देख लो, बट फिर भी गाइस यहाँ पे मेरा कोई भी मैसेज जो है डबल टिक नहीं हो रहा है. यू विल सी गाइस राइट नाउ माई मोबाइल डेटा इज टर्न ऑन स्टिल गाइस, हियर इज नॉट शोइंग एनी डबल टिक. ओके, सो यू विल सी. यहाँ पे आज शुरू करते हैं वीडियो को, कैसे गाइस आप सभी जो है अपना डबल टिक को हाइड कर सकते हैं. This video will be in two language. First one is Hindi language, second one is English, so that my all subscribers can easily understand this video. The topic is that how we can hide double tick in iPhone in WhatsApp application. So you will see guys, right now I have sending the message from this Android device to this iPhone, but I am receiving these messages in the WhatsApp application, but here is not showing any double tick. I will tell you that how you can do this. So guys, let's get start without any further delay. चलो गाइस यहां पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए. उससे पहले गाइस प्लीज मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं. साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो. मैं कोई वीडियो अपडेट करता हूं तो आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आने चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एट फर्स्ट टाइम. एज वेल गाइज हिट द बेल आइकन सो डैट वेन यूर आई विल अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट इमीडिएटली द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज. नाउ लेट्स मूव ऑन योर मेन टॉपिक. सो आप सभी गाइज क्या करना है इस चीज़ को डन करने के लिए, सबसे पहले आपको जो है अपने आईफोन्स की सेटिंग्स में जाना है. इन ऑर्डर टू फिक्स एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस थिंग इन योर आईफोन्स, यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स एप्लीकेशन ऑन योर आईफोन एंड यू कैन अप्लाई दिस सेम थिंग ऑन योर एनी आईफोन. यस गाइज, ये चीज़ जो आप किसी भी आईफोन्स में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आपके पास आईफोन 6 ही क्यों ना हो या फिर आईफोन 10 या फिर 10s, कोई सा भी मॉडल डिवाइस हो, सभी में सेम ही प्रोसेस रहने वाला है. जस्ट आपको फॉलो करना है. सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यदि आपको WhatsApp पे जाना है, सो गाइस इफ़ यू विल ट्राई टू गेट दिस थिंग फ्रॉम WhatsApp इन द iPhone, देन गाइस इट विल नॉट वर्क. बट आई विल टेल यू हेयर दैट व्हाट्स द सॉल्यूशन एंड हाउ यू कैन गेट दिस. यदि गाइस आप जिसको WhatsApp के माध्यम से जाएंगे ट्राई करने, तो ये आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं मिलती है जहाँ गाइस आप जो है इस चीज़ को गेट कर सकें. इसलिए गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका. यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली बैक कर दो. बैक करने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, नॉर्मली आपकी सेटिंग्स पे जाना है. यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स एप्लीकेशन एंड यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एट लास्ट. आप सभी को सबसे लास्ट में चले जाना है दोस्तों. यहाँ पे आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर लेना है. जैसा कि ये हमारी व्हाट्सएप एप्लीकेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट्सएप. टैप ऑन दिस एंड यू विल सी गाइस इट विल शो यू राइट नाउ माई डेटा इज इनेबल्ड. यू विल सी गाइस माई इंटरनेट इज ऑन, बट स्टिल गाइस आई कांट रिसीव दिस मैसेज एंड गाइस इट विल नॉट शो एनी डबल टिक. ओके, तो सभी सबसे पहले गाइस क्या करना है, आपका जो सेलो डेटा होगा आपकी सेटिंग्स में ये इनेबल होगा, तो जस्ट आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है. जैसे आप इसको टर्न ऑफ कर देते हैं दोस्तों, तो आप सभी को कोई भी मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, तो आपको वहाँ पे जो है सिंगल टिक ही शो करेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे. बट जैसे ही गाइस वो पर्सन आपको, अब फॉर एग्जांपल आप जो है यहाँ पे उस मैसेज को रिसीव करना चाहते हो जो इसने भेजा है, तो आप सभी को क्या करना है, नॉर्मली आपको दोबारा से गाइस यहाँ पे सेटिंग्स पे आके अपना मोबाइल डेटा ऑन करना होगा यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन का. बट गाइस यहाँ पे इस चीज़ का फायदा ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चला सकते हैं और गाइस सब कुछ कर सकते हैं, बट आपका जो व्हाट्सएप का गाइस यहाँ पे जो है सिंगल टिक ही रहेगा. कोई भी मैसेज करेगा तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव नहीं होगा जब तक आप जो है यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके इसको टर्न ऑन नहीं कर देते हैं. तो ये गाइस इस तरीके से आप जो इसको यहाँ पे सिंगल टिक गेट कर सकते हैं. जैसे गाइस आप टर्न ऑन करेंगे आपका जो यहाँ पे डबल टिक हो जाएगा एंड गाइस आपको जो मैसेज रिसीव होने शुरू हो जाएंगे. फिलहाल गाइस यदि आप सारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करें और जैसे कि आप यहाँ पे यूट्यूब यूज़ करना चाहते हैं और भी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बट आप नहीं चाहते कोई आपको व्हाट्सएप पे डिस्टर्ब करे, तो आप जो चीज़ ये कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. सो इन ऑर्डर टू गाइस गेट दिस थिंग यू हैव टू जस्ट गो टू द सेटिंग्स एंड यू हैव टू जस्ट टर्न ऑफ दिस. When you will turn off these settings, guys, now if any person will send you message, then guys, your like WhatsApp data is turned off. That's why, guys, you can't receive any message. And this is a single method. And guys, whenever you want to receive message on your WhatsApp application, you have to simply go to and turn on this. And after enable this, guys, you can easily again receive all messages and double tick. It will automatically on. So, guys, this is a single method. But still, guys, you can use all application while this process. You can use YouTube, any application, but you will not able to receive any message on the WhatsApp application if you will do this like this type of setting. So basically this is a simple method guys, you can get this type of things. I hope guys this video will be very helpful for you.